We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को शुभकामनाएं देते हैं. Welcome you to this series of Bible studies on the caption, the Lost Chapter. अंतिम अध्याय इस शीर्षक के तले का संदेश का जो धारावाहिक है उसमें आपका स्वागत है. In this series of Bible studies, we are dealing with three major topics. क्रमानुसार जिन संदेशों को हम लोग देख रहे हैं इसमें खास तीन ऐसी बातों को देखते हैं. The lost chapter of the world, अंतिम अध्याय संसार का. The lost chapter of Israel, इज़राइल का अंतिम अध्याय. The lost chapter of the church, कलिसिया का अंतिम अध्याय. We have chosen these three topics. हम लोगों ने इन तीन विषयों को चुना है. Because in 1 Corinthians 10:32, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10:32 में, the people of the world is divided into three major group. वहां संसार के लोगों को तीन झुंडों में बांटा गया है. One is Jesus, our God's chosen generation, Israel. एक तो परमेश्वर के चुने हुए वंश के रूप में इज़राइल है. And the other group is non Israelis. दूसरा गैर इज़राइली. Non Israel. गैर इज़राइली. They are called Gentiles. और उनको अन्य जाति कहते हैं. And also we see a third group. और एक झुंड को भी तीसरा झुंड को देखते हैं. They are neither Israel nor non Israel. वे ना तो यहूदी हैं या गैर यहूदी हैं. And what is that group then? तब ये झुंड कौन है? The third group is called the Church of God. इस तीसरा झुंड को ही कलीसिया जो परमेश्वर का है कहते हैं. They are from Israel, they are from Gentiles, drawn to make one nation called the Church of God. उनको परमेश्वर ने यहूदियों में से और अन्य जातियों में से चुन करके एक कलीसिया जो परमेश्वर का बनाया है. God has got a well-defined plan. Program for his chosen nation, Israel. परमेश्वर के पास अपने उस चुने हुए वंश इज़राइल के लिए एक सुंदर योजना, एक कार्यक्रम है. And God has got a very specific program for the Gentiles. और परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए भी एक सुंदर योजना और एक मकसद को रखा है. And God has got a very specific program for the Church of God. परमेश्वर खास संसार के लिए भी एक खास योजना को रखा है. एंड द फर्स्ट थ्री सेगमेंट्स हम लोगों ने पिछले तीन भागों में वी वर एबल टू कवर द लॉस्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड संसार के अंतिम अध्याय इस पर हम लोग देख सके. देयर प्रोफेसीज कंसर्निंग द लॉस्ट चैप्टर ऑफ द जेंटाइल नेशन और गैर यहूदियों के बारे में उनके अंतिम अध्याय के बारे में कई एक भविष्यवाणियां हैं. फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड विद रेफरेंस टू हिस्ट्री वी आर एबल टू सी दैट वी आर ऑलमोस्ट इन द लॉस्ट पेज ऑफ द लॉस्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड. और हम लोग इस बात को पहचान पाए कि भविष्यवाणी के माध्यम से इतिहास को पलट कर देखने से कि हम इस संसार के अंतिम घड़ी में अंतिम अध्याय में आ पहुंचे हैं. The second topic, the lost chapter of Israel. इज़राइल का अंतिम अध्याय ये हमारा दूसरा विषय रहा. In the first segment of this second topic, इस दूसरा विषय का पहला भाग में, we were able to see the past and the present history of Israel. हम लोग इज़राइल के पिछले इतिहास या भूतकाल के इतिहास और वर्तमान इतिहास को देख पाए. इट्स स्टार्टेड विद अब्राहम और वो अब्राहम से शुरू हुआ. एंड प्रोबेबली आफ्टर जीसस क्राइस्ट और प्रभु यीशु मसीह के बाद हो सकता है. इन एडी 70 एडी 70 में अब्रप्टली देयर हिस्ट्री केम टू एन एंड. करीबन ऐसा एडी 70 में वो इतिहास बंद होने जैसा होने लगा. But to the fulfillment of prophecies, लेकिन भविष्यवाणी जैसा ही पूरा हुआ. Nearly after 2000 years, करीबन 2000 साल. In this 20th century, लगने पर 21वां ईस्वी में. Again Israel is born. फिर से इज़राइल जन्म लेती है. Again Israel is born. फिर से इज़राइल का जन्म हुआ. The nation that was erased from the map of the world, जिस देश को संसार के नक्शा से हटाया गया. After 2000 years, करीबन 2000 साल बाद. That has become a very important nation. In world today, बहुत महत्वपूर्ण देश बन गया है सारे संसार में. In 1948,
48 में, May 14 को Israel is born again. Israel फिर से जन्म लिया. And in 1967, nearly after 2000 years, करीबन 2000 साल बाद, Jerusalem has become their capital. यरूशलेम उनका राजधानी बन गया. In the last segment, we were able to say, nevertheless, Israel is not complete. और पिछले भाग में हम इस बात को देख पाए कि अभी भी इज़राइल पूरा नहीं हुआ है. In the days of Solomon, a temple was built. जरूर सुलेमान के दिनों में एक मंदिर बनाया गया. And Israel was expected to give all their sacrifices for the atonement of the sin of the individuals, for the atonement of the sin of the nation. They have to make the sacrifices at the temple. इज़राइल के उस रीति के अनुसार मंदिर में व्यक्तिगत पाप क्यों न हो या देश का पाप क्यों न हो, उसके प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाना था उसी मंदिर में. The magnificent temple that was built by Solomon was destroyed by Nebuchadnezzar the 7th century BC. वैभव से भरी हुई उस मंदिर को नबुकदनेज़र ने 7वां ईस्वी में नाश किया. After 70 years, 70 साल बाद, again in the days of Cyrus, फिर से कुसरू के दिनों में उस राजा के दिनों, under the leadership of Zerubbabel के नेतृत्व में, the temple was built again. दोबारा वो मंदिर बनाया गया. And the walls of Jerusalem were built in the days of Nehemiah. नहमिया के दिनों में उस यरूशलेम के शहरपनाह बनाया गया. Again in 70 AD, और फिर से 70 AD में, exactly 40 years after Jesus was crucified, yani ki prabhu yeshu masi ko krus par chadhane ke baad 40 saal baad, before one generation could pass away, ek peedhi paar hone se pehle, the temple was destroyed in the days of Titus. Aur Titus namak us shasak ke dinon mein wo mandir nash kiya gaya. Son of Roman emperor Vespasian. और वो उस वेस्पासियन का बेटा था. And Titus became emperor of Rome later. उसके बाद टाइटस उस रोम साम्राज्य के लिए शासक बना. So the people of Roman Empire in the days of Titus, they destroyed the second temple. और इसीलिए टाइटस के दिनों में उस मंदिर को लोगों ने नाश किया. They were scattered all over the world. उनको विश्व भर में तितर बितर किया गया. Since 1948 they are gathering again to Israel. 1948 से ये लोग फिर से इज़राइल में जमा हो रहे हैं. Now Jerusalem is become a holy land in the whole world. अभी पूरे संसार में यरूशलेम एक पवित्र स्थान बना है. 3 major religions in the world claim Jerusalem our holy land. 3 बड़े धर्मों को मानने वाले यरूशलेम को अपना पवित्र स्थल मानते हैं. Muslims call Jerusalem our holy land. मुसलमान लोग कहते हैं यरूशलेम हमारा पवित्र स्थान है. Because they got one of the most important, third important mosque in Jerusalem. उनका तीसरा महत्वपूर्ण मस्जिद वहां यरूशलेम में पाया जाता है. For the last 2000 years, और करीबन 2000 साल से, Christians are calling Jerusalem their holy land. मसीही लोग यरूशलेम को अपना पवित्र जगह कहते हैं. That Jesus was crucified for the sin of the world in Jerusalem. क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाया गया सारे मानव के पापों के लिए. He rose from the dead. वो जी उठा मृत्यु से. Was in Jerusalem. वो भी यरूशलेम में हुआ. He ascended into heaven from Jerusalem. उसका स्वर्गरोहण हुआ यरूशलेम से ही. वो उठा लिया गया स्वर्ग पे. And the church was born in Jerusalem. और मसीह का जो कलीसिया है वहीं पे जन्म लिया यरूशलेम. And Christians believe that Jesus would come again to Jerusalem. मसीह लोग ये भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस यरूशलेम आएंगे. So Christians say Jerusalem is our holy land. और इसीलिए मसीह लोग कहते हैं कि यरूशलेम हमारा पवित्र जगह है. Today Jerusalem has become the capital of Israel. आज यरूशलेम उस इज़राइल का राजधानी बना है. And they want to build their temple in Jerusalem. और वे चाहते हैं कि अपना मंदिर उस यरूशलेम में बनाएं.
Without a temple, they cannot sacrifice. और उस मंदिर के बिना वो बलिदान नहीं चढ़ा सकते. Without a sacrifice, they cannot have an atonement for their sins. अगर वो बलिदान नहीं चढ़ाते तो उनका पाप क्षमा नहीं होगा. So they want to build a third temple. इसीलिए वे चाहते हैं कि एक तीसरा मंदिर बनाया जाए. And they want to build the third temple. In these days, वे चाहते हैं कि इस तीसरा मंदिर को इन दिनों में बनाएं. And they want to have the temple even before the end of 2012. दरअसल वे चाहते हैं कि 2012 के अंत होते होते एक मंदिर को अपने लिए बनाएं. So what is next? इसीलिए अगला क्या होगा? What will take place in Israel next? इज़राइल में आगे क्या होगा? To understand that, इस बात को समझने के लिए, in this second segment, इस दूसरे भाग में, I am taking you to a very very important Bible prophetic passage, especially concerning Israel and also concerning the world and also concerning the church. और इसलिए मैं बाइबल में एक मुख्य हिस्सा में आपका मैं अगुवाई करना चाहता हूँ, जिसमें संसार के बारे में, इज़राइल के बारे में, अन्य जातियों के बारे में साफ बातें पाई जाती हैं। If you turn your Bible to Daniel chapter 9, अगर आप दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय में आएंगे, From verse 21 to 27, और वहां आप देख पाएंगे 21वां वचन से लेकर 27वां वचन तक, A very careful reading will reveal to you the history of Israel, the history of church, and the history of the world. इस हिस्सा को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप इसमें देख पाएंगे वहां पे संसार का इतिहास, इज़राइल का इतिहास, अन्य जातियों का इतिहास. This passage is very important to study these prophetic passages of these three groups. और इन तीन झुंडों के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं उसको समझने के लिए ये बाइबल का हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है. I do believe the Spirit of the Lord will help us to help you. मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारा मदद करेंगे ताकि हम आपका मदद कर पाएंगे. Please turn with us to Daniel chapter 9. और इसीलिए दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय को खोलेंगे. And Paul is ready with the Hindi version. और मैं आपके लिए उसको हिंदी में पढ़ दूंगा, आप ध्यान से पीछा करेंगे. So please turn to your Bible. और इसलिए आप अपना बाइबल खोल के रखिए, दानियल 9वां अध्याय 21वां पद से लेकर. Now we are going to read. अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Daniel chapter 9 verse 21. दानियल 9वां अध्याय 21वां पद से लेकर. Yea, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. तब वो पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा. Daniel was praying. दानियल दुआ कर रहा था. And the angel Gabriel came to Daniel. वहां जिब्राइल, जो स्वर्गदूत, दानियल के पास आया. Verse 22. 22वां पद. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं. So the angel came to Daniel to give him skill and understanding. इसीलिए दानियल के पास जिब्राइल, स्वर्गदूत आए और उनको प्रवीणता और बुद्धि देने के लिए वहां आए. Verse 23. 23वां पद. At the beginning of thy applications, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली. इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है.
इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले. Understand the matter and consider the vision. इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले. Verse 24. 24वां पद. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Tere logon aur tere pavitra nagar ke liye 70 saptah theraye gaye hain ki unke ant tak अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए. Here it is said 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. यहाँ पे ये चीज बताया गया है तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं. Upon Daniel's people and upon Daniel's holy city. यानी कि कहने का मतलब दानियल के लोगों के ऊपर और दानियल के पवित्र नगर के ऊपर ये 70 सप्ताह ठहराए गए हैं. In other words, दूसरे शब्दों में, please listen, आप ध्यान से सुनेंगे. 70 weeks are determined for Israel and for Jerusalem. यहाँ देखते हैं कि इज़राइल और यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं. To for what? किस लिए? To finish the transgression, कि उनके अंत तक का अपराध का होना बंद हो, etc. इत्यादि इत्यादि. To anoint the most holy, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए. Till the most holy is anointed, उस परम पवित्र का अभिषेक किए जाने तक. 70 weeks are determined. 70 सप्ताह हैं वहां पे नियुक्त किया गया है. We go to verse 25. आप 25वां पद को जरा देखें. Know therefore and understand that from the giving forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even the troubled in the troubled times. इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे. फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा. Know therefore and understand. और इसलिए वहां कहा गया है इसलिए जान और समझ ले. From when will this 70 weeks start? और ये 70 सप्ताह कब से शुरू होगा? From the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. आज्ञा के निकलने से लेकर यानी कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर. It is given very clearly. वहां बिल्कुल साफ दिया गया है. From the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. और साफ वहां लिखा है कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर.
In the days of Daniel, और दानियल के दिनों में, probably when he was 15 years old, और जब से वो 15 साल के थे, he saw the temple was destroyed. वे उस मंदिर को नाश होते हुए In the days of Nebuchadnezzar, नबुकदनेज़र के दिनों में, and it was burnt. और उसको जलाया गया. And all the treasures were looted by Nebuchadnezzar to Babylon. उस मंदिर के सारे खजाने लूट लिया गया नबुकदनेज़र के द्वारा बाबलोन ले जाया गया. The palaces were burnt. सारे राजमहल वहां जलाया गया. And the streets were plowed. उनका जो सड़क है वो पूरा वहां पे नाश किया गया. The walls were destroyed. उनके शहरपना गिराए गए, ढा दिए गए. Daniel was taken into captivity. दानियल को वहां बंदी बना करके ले जाया गया. Daniel knew about the destruction of the temple, the city. और दानियल मंदिर के नाश और उस नगरी का नाश को जानते थे. And of course, Daniel lived to hear Cyrus was giving a decree to build Jerusalem. To build the temple. जरूर दानियल को ये बात मालूम चली कि वहाँ पे कुसरू राजा आज्ञा दे रहे हैं कि मंदिर को फिर से बनाया जाए. But till the days of Nehemiah. नहमिया के दिनों तक. In the days of King Artaxerxes. और अर्थशक्त्र उस राजा के समय. Jerusalem was not built. यरूशलेम नहीं बनाया गया. Its walls were not built. उसकी शहरपनाहें ना बनाई गई. Daniel had not seen a commandment given by any king to rebuild Jerusalem. दानियल ने देखा कि इससे पहले कोई राजा यरूशलेम को फिर से बसाने का या बनाने का आज्ञा नहीं दिया. But here the angel says. लेकिन यहाँ पे स्वर्गदूत कहता है, a time will come, एक ऐसा समय आएगा, and they will give a commandment to restore and to build Jerusalem. यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलेगी. And that commandment was sent forth in the days of Nehemiah by King Artaxerxes. और नहमिया के दिनों में ये आज्ञा निकली थी उस अर्थशक्त्र उस राजा के द्वारा. सो दिस 70 वीक स्टार्ट्स विद द गोइंग फोर्थ ऑफ द कमांडमेंट टू रेस्टोर एंड टू बिल्ड जेरुसलेम. और इसलिए 70 सप्ताह वहां से शुरू होती है कि जब से वो यरूशलेम को बसाने का जो आज्ञा निकली थी उस समय से. देन ही प्रोफेसाइजेस अनदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट. और एक मुख्य ऐतिहासिक घटना को फिर वो भविष्यवाणी करता है. A time will come in the history of Israel. इज़राइल के इतिहास में एक समय आएगा. The Messiah, Messiah the Prince, the Messiah will come. और वो मसीहा आएगा. Messiah will come. वो मसीहा आएगा. Messiah the Prince. और मसीहा वो जो अभिषिक्त. Between these two events. और इन दोनों घटनाओं के बीच में. There will be 69 weeks. करीबन ऐसा 59 साल होंगे. From the commandment to build the temple. यानी कि वो मंदिर को बनाने के लिए जो आज्ञा निकलेगी उस समय से लेकर. And the Messiah, the Prince shall come. और वो मसीहा जो प्रधान है वो आने तक. Between these two historic events. इन दो ऐतिहासिक घटनाओं के बीच. There will be 69 weeks. वहां पे 59 सप्ताह बीतेंगे. Here it is said 7 weeks. And 3 score and 2 weeks. वहाँ पे लिखा हुआ है 7 सप्ताह बीतेंगे फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर करके लिखा हुआ है. In this period, इसी काल में, the street of Jerusalem will be built again. और फिर से यरूशलेम का वहाँ खाई और चौक बनाया जाएगा. And the wall. और वहाँ पे उसका शहरपना. Even in troublous times. और उस प्रकार का कष्ट के समय के बीच. Now we go to verse 26. और मैं आपके लिए 26वां वचन पढ़ दे रहा हूँ. And after the 3 score and 2 weeks. उन 62. I read. And after 3 score and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof
shall be with a flood, and unto the end of the war, desolation are determined. उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है So from the time the commandment is given forth, और इसीलिए वो जो आज्ञा निकली थी उस समय से लेकर, and the Messiah, the Prince shall come, और वो मसीहा जो प्रधान है वो आएगा, there are 69 years, यहाँ पे 69 सप्ताहों का समय है, first 7 years, और 7 weeks, पहले तो 7 सप्ताह हैं, and then 62 weeks, उसके बाद 62 सप्ताह हैं, so at the end of the 62nd week, और इसीलिए उस 62वां सप्ताह के अंत में और ऑल टुगेदर फ्रॉम द कमांडमेंट वाज गिवन फोर्थ टू बिल्ड जेरुसलेम एट द एंड ऑफ 69th वीक या कहने का मतलब वो आज्ञा जो निकली थी यरूशलेम को बनाने के लिए उस समय से लेकर यहां तक कि मसीहा को वहां पे आने के बाद 59 सप्ताह लगते हैं The Messiah will be cut off. और 59 सप्ताह के अंत में वो मसीहा काटा जाएगा The Messiah will be killed. वो मसीहा को घात किया जाएगा An important clue is given, एक वहां पे बात राज खुली हुई है But not for himself. लेकिन अपने लिए नहीं Messiah will be cut off. But not for himself. ये अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा लेकिन अपने लिए नहीं Then another important historic event after the death of Messiah. और एक ऐतिहासिक घटना जो बहुत महत्वपूर्ण है इस मसीहा को काटे जाने के बाद होती है Some people will come. कुछ लोग आएंगे And once again they will destroy the city and the sanctuary, the temple. फिर से वो आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी Who will destroy the city and the sanctuary? कौन इस नगर और उस पवित्र स्थान को नाश करेंगे? Another prince is to come after the Messiah is cut off. इस मसीहा को काटे जाने के बाद और एक प्रधान को आना है वो उसे नष्ट करेंगे उन लोगों के साथ And the people of that prince. और वो जो प्रधान है उस प्रधान के प्रजा मिलकर के the people of that prince उस प्रधान के प्रजा इस नष्ट का काम करेंगे they will destroy the city and the sanctuary वे उस नगर और उस पवित्र मंदिर स्थान को नाश करेंगे so Messiah will be cut off और इसीलिए मसीहा काटा जाएगा अभिषिक्त पुरुष once again the temple And the sanctuary will be destroyed. फिर से एक बार वो नगर और वो पवित्र स्थान नष्ट किया जाएगा. Then end will come. उसके बाद अंत होगा. And till that end. और उस अंत तक. There will be great tribulation. बड़ा उपद्रव होगा. And there will be desolations determined. और वहाँ पे उजाड़ने वाली घृणित बातें वहाँ होंगी. Now verse 27. और 27वां पद को हम लोग देखेंगे एंड ही शैल कंफर्म द कवेनेंट विद मेनी फॉर वन वीक एंड इन द मिक्स ऑफ द वीक ही शैल कॉज द सैक्रिफाइस एंड द ऑब्लेशन टू सीज एंड फॉर द ओवर स्प्रेडिंग ऑफ अबोमिनेशन ही शैल मेक इट डेसोलेट इवन अंटिल द कंसुमेशन एंड दैट डिटरमिंड शैल बी पोर्ड अपॉन The desolate. 27वां पद को मैं पढ़ दे रहा हूँ वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा एंड ही शैल कंफर्म कवेनेंट विद मेनी फॉर वन वीक और वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा हु शैल
confirm covenant with many for 1 week. कौन है ये जो एक सप्ताह तक वो वाचा बांध के रखेगा? The second prince. वो दूसरा प्रधान है. Whose people only destroyed the second temple. जिस प्रधान के प्रजा उस नगर और मंदिर को नाश करेंगे. He will make covenant with many for 1 week. That is the lost 70th week. और वो 70वां सप्ताह है. जिस 70वां सप्ताह में वो वाचा बांधेगा पूरा हफ्ता के लिए जरूर. And in the midst of the week. लेकिन उसको आधे उस सप्ताह के बीचों बीच. In the midst of the week. उस सप्ताह के बीच में. He shall cause the sacrifice and oblation to cease. वो मेल बली और अन्न बली को बंद करेगा. In other words, दूसरे शब्दों में, for this second prince, इस दूसरा प्रधान के लिए, please listen, ध्यान से सुनिए, please listen, आप ध्यान से सुनिएगा, it's very important, बहुत मुख्य है, this second prince, ये दूसरा प्रधान जो है, he will cause the sacrifice and oblation to cease. वो उस मेल बली और अन्न बली को बंद कर देगा. But only his people, लेकिन उसी के प्रजा, had earlier destroyed the temple. पहले उस मंदिर को नाश किए. Now if he has to cause sacrifice and oblation to cease, अगर उसको वो मेल बली और अन्न बली को बंद करना है, so there must be a temple to give sacrifice and oblation. इसका मतलब वहाँ मेल बली और अन्न बली चढ़ाने के लिए एक मंदिर को होना है. So by his time, और इसलिए उसके समय तक, the third temple must have been built. यानी कि तीसरा मंदिर को बन जाना अवश्य है. Then only he can cause the sacrifices and oblation to cease. तब ही वो उस मेल बली और अन्न बली को बंद कर सकता है. So in earlier we saw the temple was destroyed. इसलिए इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वो मंदिर नाश किया गया. By the people of this prince. और इस प्रधान के प्रजा के द्वारा वो नाश किया गया. And this prince causes the sacrifices and oblation to cease. और अभी ये प्रधान फिर वो मेल बली और अन्न बली को बंद करता है. So in between. और इसलिए इसके बीच में. Somewhere the third temple is built. कहीं तो वो तीसरा मंदिर बना है. So they started sacrifices and oblation. और इसलिए वो लोग मेल बलि और अन्न बलि शुरू किए. In the lost 70th week. लेकिन उस अंतिम 70वां सप्ताह में. In the middle of the week. उस सप्ताह के बीच में आधे सप्ताह में. And it says for the overspreading of the abomination, he shall make it and willed the consummation, even willed the consummation, and that determine shall be poured upon the desolate. 27वां पद के उस बीच वचन में लिखा है, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा. He would go and claim that he is the God. वो जाकर कहेगा कि वही परमेश्वर है. Now we have read this Bible passage to you. हम लोगों ने इस बाइबल का हिस्सा आपको पढ़कर के सुनाए. Now I'm going to show you this Bible passage, this prophecy against past, present and future history. और हम लोगों ने इतिहास के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में रख करके इस हिस्सा को आपको बताने के लिए कोशिश की है. Once again, we request you, please listen carefully. इसलिए एक बार फिर से आपसे हम लोग कहेंगे कि आप ध्यान से सुनिए. And this PowerPoint presentation will help you understand this prophecy better. In an easier way. और ये दृश्य के माध्यम से, ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से इन बातों को अच्छी तरह से समझने में आपके लिए काम आएगा. So you may follow these slides carefully. और इसीलिए एक एक दृश्य को आप गौर से देखिए. We'll go back to verse 24. फिर से हम 24वां पद पर आते हैं. The angel says, वहां पे स्वर्गदूत कहता है, Gabriel tells Daniel. जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल को कहते हैं, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city.
तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं. Here we read in English 70 weeks. यहाँ पे अंग्रेजी में कहा गया है 70 सप्ताह. But what did Gabriel say? लेकिन जिब्राइल ने क्या कहा? Gabriel didn't say 70 weeks. दरअसल जिब्राइल 70 सप्ताह. Daniel said. दानियल ने कहा. 77 are determined. और 77 वहाँ पे नियुक्त किया गया. 77. यानी कि 70 और 7. 70 times 7. यानी कि 70 × 7. In other words. दूसरे शब्दों में. 490 years. 490 साल. 490 years are determined upon the people of Israel and upon Jerusalem. यानी कि इजरायली लोगों के ऊपर और वहां पे उस नगरी के ऊपर 490 साल नियुक्त किए गए हैं. For what? किस लिए? To finish the transgression. उस अपराध को वहां उसकी बंद होने के लिए. And to make an end of sins. और उस उनके अंत तक अपराध का बंद होने के लिए. To make a reconciliation for iniquity. और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाने के लिए. And to bring in everlasting righteousness. और युग युग की धार्मिकता प्रकट होने के लिए. And to seal up the vision and prophecy. और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाने के and लिए. And finally to anoint the most holy. और आखिर वो परम प्रधान वो परम पवित्र का अभिषेक किया जाए. So understand, for God has appointed 490 years for Israel and for Jerusalem. इसलिए इस बात को अच्छा से समझ लीजिए, इज़राइल के लिए और यरूशलेम के लिए परमेश्वर ने 490 साल को नियुक्त किया है. Now verse 25. अभी हम लोग 25वां वचन में आएंगे. Know therefore, understand. That from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 80 days. इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे. फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा. So from the time the commandment was given forth to build Jerusalem. और इसीलिए यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने के समय से लेकर. Until the days of Messiah the Prince. और उस अभिषिक्त प्रधान के समय तक. 7 weeks and 62 weeks. वहां are determined. 7 सप्ताह का समय फिर 62 सप्ताहों का समय वहां पे नियुक्त किया गया है. 69 weeks are determined. यानी कि 59 साल वहां पे नियुक्त किया गया है. In other words, दूसरे शब्दों में 7 times 7 and 62 times 7 are determined. और यहां पे 7 times 7 7 × 7 and 62 times 7 और 62 × 7 are determined. वहां पे नियुक्त किया गया है. These slides will help you to understand it easier. और इन दृश्यों के द्वारा आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे. There are two parts. इसमें दो भाग हैं. From the time of commandment is given to Messiah. और एक समय है यानी कि वो आज्ञा निकली और मसीहा तक. There's a 49-year segment. वो वहाँ पे 39 वहाँ पे 49 सालों का समय है. And then 434-year segment. फिर वहाँ पे 434 सालों का एक भाग. In other words, दूसरे शब्दों में 483 years are determined. यानी कि 483 साल वहाँ पे नियुक्त किया गया है. The street shall be built again and the wall. वहाँ पे वो नगर और उसका शहरपना
बनाया जाएगा. इन द डेज ऑफ नहेमिया, नहेमिया के दिनों में, इन द 49 years, और उन 49 सालों में, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 7 weeks, हम लोग उस 70 साल के पहला हिस्सा, 7 times 7 years, यानी कि 7 × 7 में, इन दैट 49 years, उन 49 सालों में, द वॉल्स, द स्ट्रीट्स वर बिल्ट, वहां पे वो सड़कें बनाई गई, एंड द वॉल वर बिल्ट, वहां पे शहरपनाह भी बनाया गया, एंड फॉर द नेक्स्ट 434 years, और अगला 434 साल के लिए, दे कंटिन्यू टू बी इन ट्रबुलस टाइम्स, वे कष्ट के दिनों में या समयों में रहे. दे वर अंडर द पर्शियन एम्पायर, वो उस फारसी के अधीनता में थे, देन द ग्रीशियन एम्पायर, फिर यूनान के अधीनता में थे, अंडर द रोमन एम्पायर, और रोम के अधीनता में भी थे. इन द फर्स्ट टॉपिक, द लॉस्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव डेल्ट दिस मोर क्लियरली, और इन बातों को मोर डिटेल, उस पहला विषय में, यानी कि संसार के अंतिम अध्याय, उसमें हम लोग और विस्तारित रूप से इन बातों के बारे में देखा है. सो दे वर अंडर आइदर वन रूल और अनदर रूल, और इसलिए वे एक साम्राज्य के अधीन में या दूसरा साम्राज्य के अधीन में ऐसा रहते रहे. दे हैड सम इंटरमिटेंट फ्रीडम, नॉट वर्थ मेंशनिंग हियर, और थोड़ा थोड़ा उनके लिए वहां पे राहत मिली, फिर यहाँ पे उसको हम लोग बता नहीं पाएंगे. वर्स 26, 26वां पद, एंड आफ्टर 62 weeks, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर, दैट इज एट द एंड ऑफ द 69th week, कहने का मतलब उस 59वां मज़ाया बी कट ऑफ, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए नहीं. So first 7 weeks, और इसलिए पहला 7 साल, 49 years, माफ कीजिए, पहला 7 सप्ताह, यानी कि the streets were built again, वहाँ पे सड़कें तैयार की गई, the walls of Jerusalem were built, यरूशलेम के वो शहरपनाह बन गई, for the remaining 62 times 7 years, अभी जो 62 × 7 साल के, they were under alien rules, वो अन्य ऐसे साम्राज्य के अधीन में थे, and in this 483 years, इसीलिए ये 483 सालों में, मसीहा came, मसीहा आया, at the end of the 69th week, और उस 59वां सप्ताह के अंत में, मसीहा was cut off, मसीहा को मार दिया गया, Jesus Christ was crucified, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया. In the days of नहेमिया, नहेमिया के दिनों में, In the month of निजाम, और निजाम के उस महीना में, At the time of Passover, और उस पासओवर के समय में, This decree was given to build Jerusalem, और ये आज्ञा निकली थी यरूशलेम को फिर बनाने के लिए. Exactly after 483 years, और जैसा ही वो 483 साल पूरा हुए, on the day of Passover, उस पासओवर के दिन, as it was prophesied, जैसा ही भविष्यवाणी हुई थी, Jesus Christ was crucified, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, चढ़ाया गया. Same date, the same month on which the decree was given to build Jerusalem. और उसी दिन जब यरूशलेम को फिर से बनाने के लिए आज्ञा निकली थी. It was a prophecy in the days of Daniel. वो दानियल के दिनों में एक भविष्यवाणी थी. At the Passover, Jesus Christ was crucified. It became history. और पासओवर के समय में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो इतिहास बन गया. In those days, this Passover ritual will be observed for 3 days. और उन दिनों में ये पासओवर का जो रीति है, वो उतने दिनों तक, उसको 3 दिन तक मनाते थे. Tens of thousands of Jews will come from all over the world to the Passover. हजारों हजार लोग उस पर्व को पासओवर पर्व को मनाने के लिए आएंगे. And the first day, और पहला दिन में, generally the common people will have their Passover lamb sacrificed. आम प्रजा अपने उस मेमना को वो लोग पासओवर के लिए चढ़ाएंगे. On the second day, दूसरा दिन में, rabbis and others with their disciples sacrifice the Passover lamb.
रब्बी और उनके चेले लोग मिल करके उनके लिए उस मेमना को वो लोग चढ़ाएंगे. Probably on that day, Jesus and his disciples, they given their lamb to be sacrificed. हो सकता है उसी दिन में यीशु और उनके चेले उस मेमना को बलि चढ़ाए होंगे. The third day, that is a high day. और तीसरा दिन में जिसको ऊंचा दिन that's a proper Passover. वो सही पासओवर है. On that day, उसी दिन में on that day, और उस दिन में the pastor, the priest, और वो जो याजक है and the leaders, और वहां के अगुवे जो थे the members of Sanhedrin, और वहां पे Sanhedrin के जो अगुवे हैं they all will sacrifice their Passover lamb. वे सब मिलकर के अपने उस पासओवर मेमना को चढ़ाएंगे. They will sacrifice their Passover lamb. अपने उस मेमना को वो लोग चढ़ाएंगे. Now please listen. ध्यान से सुनिएगा. Please listen. ध्यान से सुनिएगा. The third day is a high day. और ये तीसरा दिन ऊंचा दिन है. That is the proper Passover day. यहाँ पे ये सही पासओवर का दिन है. On that day, उस दिन में the priest, वो याजक, the members of the Sanhedrin, और Sanhedrin के सारे सदस्यगण, and finally the high priest, they all will sacrifice their Passover lambs. और महायाजक मिलकर के उनके लिए जो मेमना रखा हुआ है उसको बलि चढ़ाएंगे. That is why on that Passover lamb, और वो जो मेमना है पासओवर का, and this priest told Pilate, और ये पिलातुस को बताए, oh, we should not come into your court. हम लोगों को आपके महल में नहीं आना था. It's a holy day for us. ये हमारे लिए पवित्र दिन है. We have to go and sacrifice our Passover. हमारे लिए अपना पासओवर को चढ़ाना है, मेमना को चढ़ाना है. So from that morning, और इसलिए उस दिन सुबह से लेकर, all these VIPs will bring their lamb to be sacrificed as a Passover lamb. और ये सब कोई मिल करके ये जो मुख्य लोग हैं VIP जो कहलाते हैं वे अपने मेमना को लेके आएंगे चढ़ाने के लिए बलि. And the 24 priests, और वहाँ 24 जो याजक हैं, they sacrifice their Passover lambs. वे अपने मेमना को जो पासओवर के लिए रखा हुआ है चढ़ाएंगे. Finally, अंत में, at 3 o'clock, the last lamb is to be slaughtered. आखरी मेमना को वहाँ पे बलि चढ़ाना है. That last lamb is not only for the high priest and his family. ना केवल वो मेमना वो महायाजक और उसके परिवार के लिए है. It is slaughtered for all the priests. ये सारे याजकों के लिए भी चढ़ाया जाता है. And for the cause of all Israel. सारे इज़राइल के लिए भी ये मेमना बलि चढ़ाया जाता है. Exactly at 3 o'clock. बिल्कुल 3 बजे. That last Passover lamb of the high priest will be slaughtered. वो आखरी मेमना जो महायाजक के लिए वो चढ़ाया जाएगा. When they cut the last Passover lamb, और जब उस आखरी वो मेमना को जो पासओवर के लिए रखा हुआ काटेंगे, exactly at that 3 o'clock, और ठीक 3 बजे तक, exactly at that strike of that time, और उसी घड़ी जो 3 बज रहा था, Jesus gave up his ghost on the cross. यीशु मसीह अपना आत्मा उस क्रूस पर दे दिया. In the temple, उस मंदिर में, the high priest lamb was killed. या महायाजक का वो मेमना बलि चढ़ाया गया. To the fulfillment of prophecy. और वहाँ पे भविष्यवाणी को पूरा करने हेतु. At the same time, उसी घड़ी, Jesus gave up his ghost on the cross. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना आत्मा दे दिया. Something terrible took place. वहाँ पे कुछ ऐसा भयाव, There was an earthquake. एक भूकंप हुई. The veil of the temple was torn from top to bottom. उस मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा. There was terrible darkness. वहाँ पे अंधेरा. To the fulfillment of prophecy. भविष्यवाणी को पूरा करने हेतु. At the end of the 69th week. और उस 59 सप्ताह का अंतिम समय में. Messiah was cut off. मसीहा काटा गया. That was on 30 AD.
और ये 30 AD में था. And the prince and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. और उस प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी. So I love to draw your attention to the most important passage. The people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. और उस मुख्य हिस्सा जो 26वां पद में है उस पर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहूंगा. और उसके वो जो प्रधान है उस प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी. What happened in history? इतिहास में हुआ क्या? After Jesus was crucified, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के बाद, there was a great Jewish revolt against Roman Empire in 66 AD. रोमी सरकार के विरोध में वहाँ पे एक बड़ा बलवा यहूदी लोग करने लगे. And that revolt was going for 3 years. और वो बलवा करीबन 3 साल तक होता रहा. Finally in 70 AD. और अंत में वहाँ 70 AD में. At that time. उस समय में. Vespasian was the Caesar. और Vespasian कैसर था. He is the Emperor of the Roman Empire. और रोम के लिए वही शासक था. Under the leadership of his son Titus. और उसका बेटा तीतुस का जो शासनकाल में. An army came to quell the revolt of these Jews. और इस यहूदी का बलवा को ये लोग थमाने के लिए आए. Thousands of Jews were destroyed, killed. हजारों हजार यहूदियों को मार गिराए. They are crucified. उनको क्रूस पर चढ़ाया गया. Crosses were not enough to crucify them. और उन लोगों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए क्रूस वहां पर्याप्त नहीं थे. So Titus was sending elephants to trample down these Jews under the elephants' feet. इसलिए तीतुस ने हाथियों को यहूदियों के बीच भेजा ताकि वो हाथी उन लोगों को अपने पांव तले रौंद सके. The blood was flowing through the streets of Jerusalem where the blood drops of Jesus fell. यरूशलेम के सड़कों पर इन यहूदियों का खून बह रही थी जहां पे प्रभु यीशु मसीह का खून का बूंद के बूंद गिरे. In 70 AD, 70 AD में Titus destroyed the city and the sanctuary. तीतुस ने उस नगर यरूशलेम को और उसके मंदिर को नाश किया. It was a prophecy in the days of Daniel. ये दानियल के दिनों में एक भविष्यवाणी थी. And it was a history in the days of Titus. लेकिन तीतुस के दिनों में ये एक इतिहास बन गई. Apostle John was alive to see this incident. इन घटनाओं को देखने के लिए प्रेरित यूहन्ना वहां जिंदा थे. And others those who were Jesus must have seen that. और जो यीशु मसीह के संग रहने वालों में से जो जिंदा थे वे भी इस बात को देखे होंगे. In history we read. और इतिहास में इस बात को हम पढ़ते हैं. Those who have seen the crucifixion of Jesus Christ have seen with their own eyes their children crucified. जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जब वे गए उसको जो लोग देखे वे इस दृश्य को भी जो यहूदियों का नाश था इसको भी देख पाए. Even in the days of Jesus, यीशु मसीह के दिनों में भी. In Matthew chapter 24, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में. Jesus predicted about this fall of Jerusalem, destruction of the temple. और प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम के नाश और उस मंदिर के नाश के बारे में बताएं जरूर. Now we go to verse 27. अभी आप लोग उस 27वां पद पर ध्यान दीजिए जो दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय में है. Now Titus was a Roman Empire. अब तो वहां तीतुस रोम का शासक था. Here the prophecy says. वहां पे भविष्यवाणी कहती है. The people of the prince that shall come will destroy the temple. आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी. ये 26वां पद में लिखा हुआ है. So the Romans destroy this temple. इसीलिए ये रोम के लोग उस मंदिर को नाश किए. Then it's very clear. तब तो ये बहुत साफ है स्पष्ट है.
who would be the prince that shall come? और ये प्रधान कौन है जो आने वाला था? He should be a Roman king. वो एक रोम का शासक होना चाहिए. Or the ruler of a Roman empire. या एक रोम का जो साम्राज्य का शासक होना चाहिए. And he would be the last ruler. और वो अंतिम वो शासक होगा. In the first topic, the history of the last chapter of the world. पहला विषय जो संसार के अंतिम अध्याय में. We are very clear historically. We are in the final kingdom. हम लोग इस बात को देखे बिल्कुल साफ कि हम अंतिम साम्राज्य में हैं. We are living in the days of the revived Roman Empire. हम एक ऐसा समय में जी रहे हैं जहां रोम का जो साम्राज्य है उसका जागृति हो रही है. The modern name for this Roman Empire is European Union. और ये जो इन दिनों में उसके लिए रोमन एम्पायर के लिए नाम दिया गया है वो यूनियन है. It is born under treaty called Roman Treaty. और इसको एक रोमन वाचा के रूप में ये बांधा गया है. So the prince shall come from Roman Empire. और इसीलिए वो प्रधान रोम का साम्राज्य में से आएगा. Because he is the prince whose people destroyed this temple. क्योंकि ये वही प्रधान है जिसके प्रजा उस जगह को उस शहर को और मंदिर को नाश करेंगे. This prophecy has been clearly explained in topic one. और इस भविष्यवाणी को पहला विषय में विस्तारित रूप से बताया गया. We are living in the final kingdom. हम लोग अंतिम साम्राज्य में जी रहे हैं. We are living in the final kingdom. हम लोग अंतिम साम्राज्य में जी रहे हैं. And this prince. और ये प्रधान. This lost global leader. और ये अंतिम सारे संसार का शासक. The leader of the revived Roman Empire. और ये जागृत हुई इस रोम सरकार या this रोम साम्राज्य. This leader of the European Union. और ये यूरोपियन या यूनियन जो है इसका शासक या In the book of Revelation is called the beast. और प्रकाशित वाक्य में इसका नाम दिया गया है पशु. And the eighth one who shall come from the seventh. और वो आठवां जो सातवां में से आएगा. And we call him the Antichrist. और उसी को हम लोग मसीह विरोधी कहते हैं. The lost world leader. और वही संसार का सबसे अंतिम अगुआ. He shall confirm the covenant with many for 1 week. और वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा. That is verse 1:7. और एक साथ. 7 years. यानी कि 7 साल. What is confirming covenant with many? और ये वाचा जो बांधेगा करके लिखा ये क्या है? What did Gabriel say? जैसा जिब्राइल ने कहा. He will force many people to make some covenants and treaties with him. और ये लोगों को मजबूर करेगा कि लोग उसके साथ वाचा बांधे. So this prince. और इसलिए ये प्रधान. This beast. और ये पशु. This world leader. और ये संसार का शासक. This antichrist. और ये मसीह विरोधी. Will force many nations. बहुत सारे देशों को मजबूर करेगा. To make treaties with him. ताकि वे उनके संग वाचा बांधे. To make treaties with him. ताकि उसके संग ये लोग वाचा बांधे. So at the end of the 69th week. और इसलिए उस 59 सप्ताह के अंत में. Messiah is cut off. मसीहा मारा जाता है. Now the 70th week. और इसलिए 70वां सप्ताह में. This antichrist. ये मसीह विरोधी. Whose people destroyed Jerusalem in 70 AD. जिनका प्रजा AD 70 में यरूशलेम को नाश किए. They will force many nations to make covenant with him. वे बहुतों को बहुत सारे देशों को मजबूर करेंगे कि वे इनके साथ वाचा बांधें. In the midst of that 1 week. इस सप्ताह के बीच में आधे में. In the midst of the 70th week. और इस 70वां सप्ताह के आधे में. In the midst of the last 7 years appointed unto Israel.
इज़राइल के लिए नियुक्त किया गया इन सात सालों के बीच में इन द मिस्ट ऑफ द लॉस्ट 70th वीक इन 3.5 years टाइम और कहने का मतलब उन सात सालों के बीच बोलने से 3.5 साल के खत्म होने पर ही विल कॉज sacrifices and oblations to cease. वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा. In other words, दूसरे शब्दों में, sometime in history, इतिहास में कभी तो, the sacrifices and oblation must begin. इसका मतलब begin again. अन्न बलि और मेल बलि को फिर से शुरू होना जरूरी है. For that, the temple must be built again. इसके लिए मंदिर को फिर से बनना जरूरी है. But the people of this prince, this antichrist, have already built the destroyed the temple in 70 AD. लेकिन इससे पहले इस प्रधान के लोग तो एडी 70 में उस दूसरा मंदिर को नाश कर दिए थे. In other words, दूसरे शब्दों में, any time. कभी भी दिस टेम्पल विल बी बिल्ट अगेन ये तीसरा मंदिर बन जाएगी sacrifices and oblations will commence to function इसमें से मेल बलि और अन्न बलि फिर से दिया जाएगा after 3.5 years और 3.5 साल बाद he will cause them to cease ये प्रधान इन बातों को इन बलियों को बंद करेगा and I want to show you an important prophecy to understand the future the immediate imminent future of Israel और मैं आपको इज़राइल का जो बहुत ही खास एक भविष्यवाणी को दिखाना चाहता हूं जो उनका भविष्य संबंधी है Matthew chapter 24 verse 15 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 15वां वचन Jesus said, Ishu ne kaha, when you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, इसलिए, whoso readeth, let him understand. इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो जो पढ़े वो समझे Jesus believed the prophecy of Daniel. प्रभु यीशु मसीह दानियेल के भविष्यवाणी पर विश्वास किया Daniel prophesied this 500 years before Jesus was born. दानियेल ने इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले Jesus believed that would come to pass. उस भविष्यवाणी पर प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया कि ये पूरा होगा Jesus said यीशु मसीह ने कहा The abomination of desolation what Daniel spoke उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता You shall stand that in the holy place of the temple तुम पवित्र स्थान में खड़ा But Jesus didn't believe that he would stand in that temple लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात पर विश्वास नहीं किया कि उस मंदिर पर Because Jesus said that temple will be destroyed क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहा कि दूसरा वो मंदिर वो नाश किया जाएगा So here we understand Jesus believed in another future temple इसीलिए हम लोग इस बात को देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस दूसरा मंदिर पे नहीं so लेकिन तीसरा मंदिर बनेगा करके विश्वास किया So whoso readeth let him understand और इसीलिए जो पढ़े वो समझ ले A day will come एक ऐसा समय आएगा The day is coming और एक ऐसा दिन आ रही है The day is coming एक ऐसा दिन आ रही है The temple will be built again जिसमें वो तीसरा मंदिर बनेगा The antichrist will come मसीह विरोधी आएगा And after 3.5 years और 3.5 साल बाद When they resume sacrifices and oblations जब वो उस अन्न बलि और मेल बलि को बंद करेगा He will cause that to cease और उसको वो बंद करेगा In verse 21 और 21वां पद में Jesus said प्रभु यीशु मसीह ने कहा Then shall be great tribulation क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा Such as was not since the beginning of the world To the time, no, nor ever shall be. जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा. So the last 3.5 years. इसलिए अंतिम जो 3.5 साल. There will be great tribulation. महाक्लेश होगा. Even the first 3.5 years there will be tribulation.
जरूर वो 3.5 साल जो पहले का है वो भी उपद्रव का काल होगा. In the second part of that 3.5 years, लेकिन उस दूसरा भाग जो 3.5 साल का है उसमें there will be great tribulation. और महा या भारी क्लेश होगा. My dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन, I show you a few important details about the third temple. मैं इस तीसरा मंदिर के बारे में कुछ ऐसे खास बातों को बताऊंगा दिखाऊंगा. Where Solomon had built his temple, जहां सुलेमान ने अपना वो मंदिर बनाया था. People believe that is the same place there's the Muslim mosque. लोग विश्वास करते हैं कि वहीं पे मुसलमानों का एक मस्जिद है. डूम ऑफ द रॉक, और वो पहाड़ का कबर. Earlier they wanted to build the temple in the same place. और पहले तो वो लोग चाह रहे थे कि मंदिर को वहीं बनाने के लिए. But now they believe it is only the small portion of the outer court of an earlier temple intrudes in the compound of that mosque. और इसलिए उस मस्जिद का एक ही एक हिस्सा जो बाहर का कोठरी है वहां वो जगह है करके अब उन लोगों को समझ में आ रही है. That was called the court of Gentiles. और उसको उस बाहरी कोठरी को अन्य जाति का कोठरी करके वो स्थान करके माना जाता था. That was not in the days of Solomon. सुलेमान के दिनों में वो था नहीं. After Zerubbabel's temple, जरुबाबेल का जो मंदिर है उसके बाद, when Herod renovated it, और उसको वो पुनः उसका निर्माण किए, King Herod renovated it, और हेरोदेस राजा उसको फिर पुनः बनाया, he added a court for the Gentiles. वो अन्य जातियों के लिए और एक कोठरी को बनाया, एक स्थान को बनाया. So they say that in one prophecy it says, don't measure the court of the Gentiles. इसलिए वहाँ पे एक भविष्यवाणी में कहा गया है, अन्य जातियों का वो स्थान उस कोठरी को नापो मत. So it is okay if we don't build that place. इसलिए वो जगह को अगर हम लोग नहीं बनाते वो ठीक है करके सोचते हैं. Anyway, we want a temple. फिर भी उन लोगों को एक मंदिर चाहिए ही चाहिए. And some people say, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, 3000 years ago Solomon had the temple. 3000 साल पहले वो सुलेमान के पास मंदिर था. We need a temple. हमको भी मंदिर चाहिए. Why can't we build the temple somewhere else? और क्यों नहीं हम कहीं भी वहाँ वो मंदिर बनाएं? We need the temple immediately. हमें ये मंदिर बहुत जरूरी है. They all want to build the temple again. वो सब कोई चाहते हैं कि वो मंदिर को बनाएं. They got the red heifer ready for sacrifice. और वहाँ पे वहाँ बलि चढ़ाने के लिए उनके पास वो हेफर है. You can see that in the slide. आप उस दृश्य में उस बलि चढ़ाने का वो जंतु को आप देख सकते हैं. And to build the temple, they have gathered all the material they wanted. और जितने वस्तुओं की जरूरत है सारे वस्तुओं को ये लोग तैयार करके रखे हैं, दृश्य में देख सकते हैं. In this slide, you see the cornerstone which is ready to be laid. और वो कोने का जो पत्थर जिसको लेकर के उनको बनाना है उसको इस दृश्य में आप देख सकते हैं. As I said earlier, जैसा मैं पहले भी कहा था, Without sacrifice, they can't have their sins forgiven. और बिना उस बलि चढ़ा के उनका पाप क्षमा नहीं होगा करके वो लोग मानते हैं. But without the temple, they cannot sacrifice. इसलिए बिना मंदिर का वो लोग बलिदान नहीं चढ़ा सकते. So, but people could not wait till the temple could be built. इसलिए लोग इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ मंदिर कब बनेगा उसके लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं. Even against the law. और उनका जो नियम है उसके विरोध में भी by the side of the broken temple walls they started sacrificing animals. मंदिर के टूटी हुई उस दीवार के पास ये लोग अपना बलिदान चढ़ाना आरंभ कर दिया है. In this picture you saw a Passover they observed a few years back. और कुछ साल पहले यानी कि 1998 में ये लोग कैसे पासओवर मनाए हैं उस बात को दृश्य में आप देख पाते हैं. आई नो दैट टेम्पल कैन बी बिल्ट एट एनी टाइम. मैं जानता हूं कि ये मंदिर कभी भी बन जा सकता है. एंड दे वांट हैव पासओवर इन जेरूसलेम. और वो लोग पासओवर को यरूशलेम में मनाना चाहेंगे. सो दे आर टीचिंग हाउ टू किल ए पासओवर लैम्ब बाय द लॉ. और इसीलिए वो लोग सिखा रहे हैं
कि कैसे एक पासओवर के लिए मेमना को उनको चढ़ाना है, क्या रीति है, क्या रिवाज है। थाउजेंड्स ऑफ यंग मैन विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। हजारों जवान इस प्रशिक्षण में भाग लेते हैं कि कैसे बलियों को चढ़ाना है। देयर ऑफिशियल मैगजीन डेस्टिनेशन ऑफ इजराइल और इसराइल का वो गंतव्य स्थान करके एक पत्रिका में इट सेज द आर्किटेक्चरल प्लान्स हैव ऑलरेडी बीन ड्रॉन अप एंड वी वांट टू रीबिल्ड द टेंपल इन 2012। और मंदिर को बनाने के लिए हमारे लिए वो इमारत का सारा योजना बन चुका है और हम चाहते हैं 2012 में मंदिर को बना लें। द प्रोटोटाइप ऑफ द टेंपल इज सैंक्शन बाय द नेसेट और वहां पे उस सरकार के द्वारा उस मंदिर को बनाने के लिए वो जो नमूना है उसके लिए वो लोग मान्यता भी प्राप्त कर चुके हैं। एनी टाइम द टेंपल कैन बी बिल्ट कभी भी ये मंदिर बन जा सकता है। सो जस्ट वी कंसीडर दिस 70 वीक प्रोफेसी और हम लोगों ने इस 70 सप्ताह के बारे में जो भविष्यवाणी है समझा। 70 वीक्स आर डिटरमाइंड फॉर जेरूसलेम एंड इजराइल। 7 सप्ते वहां पे यरूशलेम और इजराइल के लिए वहां पे नियुक्त किया गया। दैट कमांडमेंट वाज गिवन फोर्थ इन द डेज ऑफ नहेमिया। नहेमिया के दिनों में ये आज्ञा निकली थी। इन द डेज ऑफ नहेमिया 49 इयर्स हैव टेकन टू रीबिल्ड द स्ट्रीट एंड द वॉल और वहां पे 49 साल लगे उस मंदिर और उस दीवार शहरपनाह को बनाने में। In the next 62-7 years, और यानी कि वो जो 62x7 सालों में, they were under the rule of Persians, Grecians, and Romans. वे उन लोगों के अधीनता में थे, वो फारसी और वो यूनानी और रोमी। At the end of the 69th week, और उस 59वां सप्ताह के अंत में AD 30 Jesus Christ was crucified. यानी कि AD 30 में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। Then there is a gap before the 70th year could start. और वो 70वां जो साल वो आरंभ होने से पहले वहाँ पे एक समय का अंतराल है। So the gap between the death and the destruction, death of Jesus Christ and the destruction of the temple and the construction of the temple and the worship to commence again, there is a gap. और इसलिए वहाँ पे एक समय का अंतराल है कि जब मसीहा का मृत्यु और वो मंदिर को फिर से बना करके फिर से वो अन्न बलि और मेल बलि चढ़ाने का उस समय तक एक समय का अंतराल है। In that 70th week, और उस 70वां सप्ताह में the temple might have been built. वो मंदिर बन जाएगा। The sacrifices and the oblations must have resumed. वहाँ पे मंदिर बन जाने के बाद मेल बलि अन्न बलि चढ़ाए जाएंगे। So between the time the temple was destroyed and the temple is to be built again, और वो मंदिर नाश किए जाने के बाद और मंदिर बनने से पहले, during that period, उस समय काल में, it is the period of the church. और वो कलीसिया का समय है. It is the period of the church. और वो कलीसिया का समय है. It is the church age. और इसी को कलीसिया का युग कहते हैं. So the church started with the crucifixion of Jesus. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद वो कलीसिया का युग आरंभ होती है. The Jewish worship ended. और वहाँ यहूदियों का आराधना समाप्त हुआ। The temple was destroyed. मंदिर वहाँ नाश किया गया। The church age is going on. और ये कलीसिया का युग चल रही है। When the church age ends, जैसे ये कलीसिया का युग समाप्त होगी, are the last chapter of the church age, या इस कलीसिया का अंतिम अध्याय जब होगी, Jewish 70th week will begin again. और यहूदियों का वो 70वां जो सप्ताह है वो फिर शुरू होगा। So this gap is for the church age. और इसलिए ये जो समय का जो अंतराल है ये कलीसिया के About the beginning of the church age to the end of the church age. और इसलिए उस कलीसिया के शुरुआत
और उस कलीसिया का अंतिम अध्याय उस काल में Jesus predicted that with seven parables in Matthew chapter 13. प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13वां अध्याय में कुछ ऐसे दृष्टांतों को कहा है. We read about that as seven churches in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सात कलीसिया के रूप में बातों को देखते हैं. God willing, we'll see that in the next topic. परमेश्वर की इच्छा होगी तो इसको अगला विषय में हम लोग देखेंगे. Glory be to the Lord's holy name. परमेश्वर की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे. And what will happen to the church? How will the church age end before the 70th, the last chapter of Israel could begin? और इसीलिए ये कलीसिया का युग कैसे उसका अंतिम अध्याय होगा, इन सारी बातों को हम लोग देखने वाले हैं. The last chapter of Israel. और इज़राइल का अंतिम अध्याय. The last one, last 7 years determined for Israel. और इज़राइल के लिए जो अंतिम 7 साल जो नियुक्त किया गया है. Either at the commencement of that week or slightly before that, the temple will be built again. और वो सातवां वो 7 साल शुरू होते होते ही वहाँ पे मंदिर बना हुआ हम लोग पाएंगे. Worship will commence again. वहाँ पे फिर से वो बलि चढ़ाने का आराधना चढ़ाने का बातें होंगी. In the midst of that week, और उस सप्ताह के बीच में 3.5 years, यानी कि साल में लेने से 3.5 साल के बाद, the Antichrist will cause to cease oblations and worship. मसीह विरोधी वहां पे मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा. And there will be wars and desolation till the end. और वहां पे उस प्रकार सताव और भयंकर बातें होती रहेंगी. At any time, कोई भी समय में, at any time, कभी भी, the last chapter of Israel will begin. और इज़राइल का अंतिम अध्याय शुरू हो सकता है. The temple is to be built. ये मंदिर बनने जा रहा है. That prince shall come. ये प्रधान आने वाला है. When we know that is at hand, जब हम इस बात को जानते हैं कि बहुत नजदीक है. When we know those days are drawn closer to us, जबकि हम जानते हैं कि ये दिन बहुत नजदीक आ चुके हैं. Any time, कभी भी, the church age will end. कलीसिया का ये युग समाप्त हो जाएगा. What is the last chapter of the church? कलीसिया का अंतिम अध्याय क्या है? What is the church age? कलीसिया का युग क्या है? How will the church age end? कलीसिया का ये युग कैसा पूरा होगा? God willing, we'll continue in the next topic. परमेश्वर की इच्छा होगी तो अगला विषय में इन बातों को हम लोग देखेंगे. The last chapter of the church. कलीसिया का अंतिम अध्याय. We are the last chapter of the world. हम इस संसार के अंतिम अध्याय में हैं. The last chapter of Israel is to commence. और इज़राइल के अंतिम अध्याय शुरू होने पर है. What about the last chapter of the church? कलीसिया के अंतिम अध्याय के बारे में क्या है? Jesus is coming again. यीशु मसीह जल्द आने वाला है. Either we meet Jesus Christ in the mid-air or the Antichrist on the earth. प्रभु यीशु मसीह को मध्य आकाश में उनसे मिलने से और ये मसीह विरोधी यहाँ पे आ जाएगा. The last chapter of the church. और कलीसिया के अंतिम अध्याय. We'll continue in the next topic. अगला विषय में हम लोग इन बातों को देखेंगे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए. Till then, God be with you. परमेश्वर उस समय तक आपके संग संग रहे.